लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे को पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। हर प्रेमी जोड़े को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है कि कब वो अपने मनचाहे साथी से प्यार का इजहार करेंगे या अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ हंसी प्यार के लम्हे को गुजार सकेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं प्यार भरे दिन को मनाते हुए लव बर्ड्स की कुछ तस्वीरें। प्यार का दिन, प्यार के इजहार का दिन। अपने जज्बातों को लफ्जों में कहने के लिए इस दिन का हर धड़कते हुए दिल को बेसब्री से इंतजार रहता है। आज है परवानों के दीवानों के दिन। जो लोग नए नए इश्क में पड़ते हैं उनके लिए तो ये दिन खास अहमियत रखती है। नए नए प्यार के बंधन में बंधे हर लव बर्ड्स की जोड़ी अपने अपने अंदाज में बाहों में बाहें डाले, एक दूसरे के हाथ पकड़े, आंखों आंखों में गुफ्तगू करते नजर आते हैं। वही जो आशिक अब तक अपने फीलिंग्स को काबू में रखा था, वो आज ही के दिन अपने आशिकी का जिक्र कर देता है। पर इस दिन का नाम वैलेंटाइंस डे क्यों रखा गया है, इसकी कहानी कुछ ऐसी है। हालांकि इस दिन की शुरुआत कैसे हुई इसका कोई दावे से कुछ वजह नहीं बता सकता है, लेकिन कहा जाता है कि रोम के सेंट वैलेंटाइन के नाम पर इस दिन का नाम वैलेंटाइंस डे रखा गया है। इस दिन पर सारे प्यार करने वाले एक दूसरे के लिए गिफ्ट, कार्ड्स, फ्लावर्स खरीदते हैं, कोई कोई शॉपिंग करते हुए भी नजर आते हैं। आइए आपको दिखाते हैं लाइव कोलकाता के कैमरे में उन खास पलों की सिमटी हुई तस्वीरें। ऐसे भी मतलब प्लान वैसा कुछ नहीं है, हम आए हैं सुबह से, सुबह घर में पूजा हुआ, वहाँ पे था तो यहाँ आके एंजॉय किया, बस कर रहे हैं, इसके बाद जाएंगे, घूमेंगे, खाएंगे और ऐसे ही और कुछ नहीं। जैसा कि पता है कि कल 14 फेब है, कल वैलेंटाइंस डे और महाशिवरात्रि का पर्व एक साथ है, तो आप कैसे मनाएंगे? मैं इसे बहुत अच्छी तरह मनाती हूँ हमेशा से ही, लेकिन मेरा कल मैरिज एनिवर्सरी भी है तो मैं इसे और भी जोर शोर से मनाती हूँ। लेकिन शिवरात्रि एक दिन पड़ने के कारण हम लोग इसे शिवरात्रि को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। एनिवर्सरी तो मेरी वैसे भी बनेगी, रात को 12 बजे सेलिब्रेट, तो वो भी होगा वैलेंटाइन डे भी और मेरिज एनिवर्सरी भी। मेरी मॉम का एनिवर्सरी वैलेंटाइंस डे पे आते तो इट्स क्वाइट ऑफ अ बिग डिलेमा, क्योंकि जब भी केक लेने जाते थे तो सबसे पहले हमारी टीचर्स हमें आई करती थी कि केक किसके लिए है, सबको बताना बहुत मुश्किल हो जाता था कि केक हमारी मॉम डैड के एनिवर्सरी के लिए जा रहे हैं। वैलेंटाइन डे जनरली मॉम डैड के साथ डिनर या लंच एक टाइम पे निकल जाते हैं और बाकी टाइम अपने दोस्तों के साथ निकल जाते हैं। एंड आई स्ट्रिक्टली से कि लवर्स के लिए नहीं होते, ये एक दिन है, कोई भी अपने मस्ती से निकल जाए। वैलेंटाइंस डे आप कब से मनाते आ रहे हो, शादी से पहले ही ऑफकोर्स आप इंजॉय कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, ये तो हर लड़की का एक वो हो जाता है फोटो कि वैलेंटाइन डे मनाते। कैसे इंजॉय करते हो? अभी तो मैं अपने हस्बैंड के संग में कहीं निकल जाती हूँ घूमने करने के लिए, कभी बच्चों के संग भी मेरा अपना डे बनता है और मेरे हस्बैंड के संग में हम लोग पार्टी करने चले जाते हैं, कहीं होटल चले जाते हैं, रात को अपना केक वेक काटते हैं। कहीं वाशिंग रहोगे तो आप कल कैसे वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करोगे? वैलेंटाइन डे खाना पीना हमेशा फन नहीं होता, वैलेंटाइन डे एक मोमेंट है, फ्रेंड्स के साथ मस्ती है, हम लोग बैठ के बातें करेंगे, गपशप मारेंगे अच्छे खासे, हर टाइम खाना पीना इज नॉट नेसेसरी, बर्थडे एक ही दिन आते हैं।
शिव जी का बर्थडे भी एक ही दिन आते साल में, वैलेंटाइन डे नेक्स्ट हमें वापस से वही क्रीम वाला मिलेगा, बट उनका बर्थडे को थोड़ा प्रेफरेंस आ गया। कई लोगों का ऐसा मान्यता है कि वैलेंटाइन डे सिर्फ जो अपने लव बर्ड्स हैं उसके साथ ही मनाते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? मेरा लव यही है ना, मेरा लव यही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मेरा हस्बैंड है वही मेरा लवर है, तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ उनके संग में, ऐसा कुछ नहीं। नॉट ओनली विद योर लवर्स और बी स्पेसिफिक अबाउट पीपल, एंजॉय टू द फुलेस्ट विद हूएवर यू आर। ठीक है, मनाते ही हैं, मेरा बेटा भी मनाता है, मेरी बेटी भी मनाती है, दोनों मनाते हैं। और वैलेंटाइन डे पे आपका क्या, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ क्या कुछ प्रोग्राम है जाने का या नहीं? मेन बात हम लोग तो उपवास रहते हैं, तो हम लोग घर पे तो नियम है, तो हम लोग उपवास है तो कहीं नहीं, हाँ इसके बाद जाएंगे, ऐसे इको पार्क हुआ है यहाँ पे जाके मस्ती वस्ती करेंगे। तो आप लोग तो ऐसे ही करते हो, वैलेंटाइन डे मनाते हैं? हाँ, फ्रेंडों के साथ हम लोग अच्छा खासा मतलब बड़ा सा छत है, उसी पर डेकोरेशन करके सॉन्ग वॉन्ग चला के। थैंक यू। वैलेंटाइन डे क्या फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट करते हैं? ऑफ कोर्स, फ्रेंड फैमिली जो भी, एक्चुअली हम लोग का तो कोई बॉयफ्रेंड वगैरह बोल के कुछ है नहीं, तो जस्ट फ्रेंड लोग के भी साथ भी सेलिब्रेट कर सकते हैं।